कोरबा जिले के गेबरा एरिया में ट्रेनी अप्रेंटिस अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि एसईसीएल की विभिन्न खदानों में उनको नौकरी दिया जाए और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 8 मार्च को कोल डिस्पैच बाधित करेंगे। भारतीय आईटीआई संघ के बैनर तले एसईसीएल ट्रेनी अप्रेंटिस ने 5 मार्च से नियमित रोजगार के लिए एसईसीएल गेबरा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस संघ व एसईसीएल के अप्रेंटिस एरिया प्रमुख सभी एरिया के ट्रेनी अप्रेंटिस बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन में शामिल है, जिसमें युवतियां भी शामिल हैं। अप्रेंटिस संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार निर्मलकर ने कहा है कि प्रबंधन ने ट्रेनी अप्रेंटिस से वार्ता के लिए बुलाया, जहां वार्ता विफल रही और प्रबंधन ने कहा है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 8 मार्च को कोल डिस्पैच प्रभावित करेंगे। गेबरा एरिया के महाप्रबंधक कार्मिक ने कहा कि अप्रेंटिस ट्रेनियों को नियमित रोजगार गाइडलाइन के अनुसार दिया जाएगा। बिलासपुर मुख्यालय में धरना प्रदर्शन की सूचना दे दी गई है। मुख्यालय से जो भी गाइडलाइन आती है उसका पालन किया जाएगा। एसईसीएल में लगभग 6000 अप्रेंटिस किए हुए हैं और ये 24 साल बाद अप्रेंटिस कराया है, जिसमें कोल इंडिया में भी 20,000 लोग हैं। पर हम एसईसीएल मुख्यालय में दो बार गया, धरना दिए, उसके बाद में हमने चेयरमैन कोलकाता को घेराव किए, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया संतुष्टजनक। तो हम कल से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और जब तक के नौकरी एसईसीएल प्रबंधन मेरे 6000 अप्रेंटिस को नहीं देती है तब तक के ये आंदोलन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और 8 तारीख का हम कोल डिस्पैच भी करेंगे। कल शाम को मैनेजमेंट बुलाया मीटिंग में, हमने दो टुक में कहा कि आ गया, नौकरी देना है तो बात करो, नहीं देना तो मत बात करो, और जब तक नौकरी नहीं दोगे तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, ये हमने बोल के आ गया। उसी का असर है और मेरे जितने एसईसीएल के अप्रेंटिस साथियों का ये ताकत है। आज हेड ऑफिस से 3 लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, 10 बजे से हमको फ़ोन किया, हम बोले हम आ रहे हैं, आएंगे फिर बात करेंगे, हमने उसको बोल दिए हैं। और नौकरी देना पड़ेगा, नौकरी नहीं दोगे तो ये जो है कोलकाता का चेयरमैन जो बैठा है ना, उसको भी एक दिन छत्तीसगढ़ कोरबा आना होगा। और आज तो सीएमडी ऑफिस से आए हैं और यहाँ कोलकाता के ऑफिस से भी आना होगा। अगर हमारे छत्तीसगढ़ महतारी का धरती से उसका कोरा का अगर कोयला ले जाना है यहाँ से, तो चेयरमैन को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ अग्रवाल साहब को, अग्रवाल साहब छत्तीसगढ़ एसईसीएल से 50% कोयला जाता है पूरा हिंदुस्तान में और 50% ऑल ओवर इंडिया कोल इंडिया से जाती है। तो अगर छत्तीसगढ़ से कोयला लेके जाना होगा उनको, तो मेरे अप्रेंटिस को नौकरी देना पड़ेगा। ये आखिरी वर्ड है और आपके माध्यम से मैं राज्य शासन, केंद्र शासन, विधायक, सांसद, श्रमिक संगठन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी अप्रेंटिस के लिए मदद करें और रोजगार दे, नहीं तो हमारे कोरबा की धरती, छत्तीसगढ़ के धरती से एक छटाक, 1 किलो और 1 ट्रक, 1 बोगी कोयला हम ले जाने यहाँ से नहीं देंगे हम लोग। और मैंने एसईसीएल में अप्रेंटिसशिप किया है 1 साल का, भटगांव एरिया से। भारती जी बताएंगे आगे आपकी मांग पूरी नहीं होती। हम लोग अपना आंदोलन ऐसे ही चालू रखेंगे जब तक हमारा पूरा नियमितकरण हो नहीं जाता। हमसे 1 साल काम करवाया गया है पर अभी तक हमारा कोई भी फ्यूचर बना नहीं है, ना इसमें बन रहा है ना किसी और चीज़ में बन रहा है। इसलिए हम सरकार से ही निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ पे नियमितकरण कर दे और हम हमारा आंदोलन रोक देंगे। हम लोग का सिर्फ एक ही चीज़ का धरना है, हम सभी अप्रेंटिसों का सिर्फ एक ही मांग है, इसके अलावा हमारा कोई मांग नहीं है, कि हम सभी अप्रेंटिस भाई एंड बहनों जितने भी यहाँ प्रशिक्षण लिया है उनका नियमितीकरण, सबको रोजगार प्राप्त हो, सिर्फ यही मांग है हम लोग का। हम लोग अभी 6000 हैं पूरे अप्रेंटिस जितने हैं और ऑल इंडिया में कम से कम 60,000 से ऊपर हम आप लोग अप्रेंटिस हैं। हम लोग का ये तो जो हड़ताल अभी चल रहा है वो तो निरंतर चलता ही रहेगा, इसका कोई आखिरी समय नहीं है। और अगर 2 दिन में हमारा मांग पूरा नहीं करती है एसईसीएल मैनेजमेंट, तो मजबूरन बस हमें यहाँ का कोल डिस्पैच रोकना पड़ेगा और यहाँ से एक भी छोटा सा कोयला का टुकड़ा हम यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक कि हम लोग का नियमितीकरण नहीं हो जाए। मीडियापुर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट।